नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक मोटर्स की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टायर्स के बारे में। बहुत लोगों की ये आशंका रहती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो ट्यूबलेस टायर हैं या फिर जिन टायर्स पर ज़्यादा थ्रेड मिल रही है, जिन पर कम थ्रेड मिल रही है, उन दोनों में जो ज़्यादा थ्रेड वाला है वो परफेक्ट होता है। इसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो में पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए टेक एंड मोटर्स को ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ पाते रहने के लिए। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपने काफ़ी सारे टायर्स देखे होंगे, कुछ ट्यूबलेस देखे होंगे, कुछ ट्यूब वाले देखे होंगे, लेकिन जो ट्यूब वाले टायर्स आपने देखे होंगे उनमें ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी थ्रेडिंग मिली होती है, बहुत ज़्यादा कट्स मिले होते हैं, बहुत ज़्यादा रबर ग्रिप मिली होती है आपको, और आप समझते हैं उससे कि ये ज़्यादा बेटर ग्रिप प्रोवाइड करा सकता है हमें। और ट्यूबलेस को आप एक बार को देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कि बहुत छोटे छोटे कट हैं और बहुत ज़्यादा फ्लैट सा टायर है वो, और ये बेटर ग्रिप प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। तो इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि जब उनके ट्यूबलेस टायर खराब हो जाते हैं या घिस जाते हैं, एक सर्टेन जो दूरी है उसे क्रॉस कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और उसके बाद वो बदलने पड़ते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कुछ जो टायर वाले हैं वो भी ये सलाह देते हैं कि आप इसमें ट्यूब वाला टायर डलवा दीजिए, इस पर आपको ग्रिप अच्छी मिलेगी, ये रोड पर पकड़ अच्छी करेगा। लेकिन क्या ये बात सच है? तो हमेशा ध्यान रखिए, ये बात सच नहीं है। मैं आपको इसी के बारे में क्लियर करने वाला हूं आज, और ये बाइक और कार दोनों के बारे में मैटर करता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो ट्यूबलेस टायर है उनमें आपको देखने को मिलेगी बहुत मोटी मोटी थ्रेडिंग, और इसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी रोड पर ग्रिप प्रोवाइड करा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो थ्रेडिंग एक्चुअली क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि जब भी आपका पहिया या आपकी गाड़ी जो वेट सरफेस है या फिर बारिश का मौसम है जिसमें रोड पे पानी भर जाता है उसमें चले तो पूरी पकड़ कर पाए। जी हाँ, वो जो थ्रेडिंग है वो केवल इसलिए दी जाती है क्योंकि वहाँ से उसे पानी हटाना पड़ता है और एक मजबूत ज़मीन पर टिकना होता है जिससे गाड़ी का बैलेंस ना बिगड़े या गाड़ी के टायर स्किट ना करें, और यही रिजल्ट होता है कि जो पानी है उन थ्रेड्स में होते हुए बाहर निकल जाता है, यानी कि बगल में हट जाता है, और जो हार्ड सरफेस है, स्टेबल सरफेस है, उस पर जाकर टायर लगता है, तो जिसकी वजह से वो टायर स्टेबल रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्यूबलेस टायर का जो काम है वो स्टेबल रहना नहीं है, वो स्किट कर जाता है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत पतली पतली थ्रेड्स बनाई जाती हैं, वो भी पानी को काटने के लिए काफ़ी होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पानी को नहीं हटा पाएंगी, वो पानी को प्रॉपरली हटा सकती हैं, लेकिन जो बड़ी थ्रेड जो दी जाती हैं ट्यूबलेस टायर में, ट्यूब वाले टायर में, वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उसमें मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो थोड़ा लचीला यूज़ किया जाता है, वो जल्दी घिस सकता है। लचीला इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें डलता है ट्यूब, और ट्यूब जब भी पंचर होता है ऐसी कंडीशन में टायर को उतारना पड़ता है, उसके बाद ट्यूब को निकालना पड़ता है, उसके बाद पंक्चर बनाई जाती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा लचीला रखना पड़ता है जिससे वो आसानी से रिम से उतर आए और चढ़ जाए। उसी के उलट जो ट्यूबलेस टायर है उसमें हार्ड मटेरियल यूज़ किया जाता है थोड़ा, जिससे वो कम घिसे, और इसी के साथ जब वो पंक्चर होता है तो ऊपर से ही उसकी पंक्चर लग जाती है, उसको उतारना नहीं पड़ता है। इस वजह से स्मॉल थ्रेडिंग या छोटी थ्रेडिंग आप उसमें कह सकते हैं, छोटे छोटे कट बनाए जाते हैं जिसकी वजह से वो घिसता ही इतना ज़्यादा नहीं है, और उसमें मटेरियल भी कुछ इस तरीके का यूज़ किया जाता है कि वो पंक्चर भी आसानी से नहीं होता है। मान लीजिए टिंगल या कुछ कील वगैरह उसमें घुस गई तो आप एक सर्टेन लिमिट तक कवर कर सकते हो दूरी को, जिससे आपको जहाँ भी पंक्चर की दुकान मिले पास की ही, वहाँ पर आप उसे फिक्स करवा सको। लेकिन ट्यूब में क्या होता है कि ट्यूब तुरंत से हवा रिलीज कर देता है, हवा तुरंत निकल जाती है, इस वजह से मोटी थ्रेडिंग वहाँ भी काम आती है कि कील वहाँ तक घुस ना पाए। लेकिन जब उसमें घुस जाती है अगर बाई चांस, तो कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है, बड़ी मुश्किल से निकलती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है? तो अगर आपकी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर हैं, फोर व्हीलर या टू व्हीलर, तो हमेशा उसमें ट्यूबलेस ही रखिए। अगर मान लीजिए आपको कहीं ऐसी जगह पर चलना पड़ता है जहां हमेशा ही वेट सरफेस रहता है, या फिर आपको कच्ची एकदम नमी वाली मिट्टी में गाड़ी चलानी होती है, तो हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं जो थ्रेड वाला टायर है उसका, लेकिन जो ट्यूबलेस टायर है उसमें आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है क्योंकि उसमें थोड़ी टेंशन कम रहती है। और इसी के उलट जब भी पंक्चर की बात आती है तो वहाँ ट्यूबलेस ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है बजाय ट्यूब वाले के। लेकिन कच्ची रोड पे और ऑफ रोडिंग वगैरह में जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर मोटी मोटी थ्रेडिंग्स आपको चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं है महंगे टायर्स में आपको, एकदम ऑफ रोड वाले टायर्स आप लेंगे तो ट्यूबलेस टायर में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा
जो बड़ी बड़ी थ्रेडिंग है उनका पकड़ के लिए कच्चे रास्तों पर, गीले रास्तों पर, इस टाइप के पर। लेकिन अगर मोटी थ्रेड का, यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि अगर मोटी थ्रेड के ट्यूबलेस टायर में अगर टिंगल अंदर घुसा या कील अंदर घुसी तो उसे फिर निकाल कर उसे फिक्स करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो हर टायर के अपने अपने फ़ायदे हैं। आप कैसी रोड्स पर चलते हैं, अगर आप प्लेन सरफेस पर चलते हैं तो आप इजीली ट्यूबलेस के लिए ही जा सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हर संडे को कमेंट वाला सेशन में उन सवालों के आंसर्स देता हूं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए टेक एंड मोटर्स को, ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ पाते रहने के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। नमस्कार, धन्यवाद।